दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पौधा लेके आया हूं, जिसको कोलियस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और आप अपने गार्डन में या अपने पार्क में इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। घर में इंडोर पौधे के रूप में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा इसमें लाल लाल पत्तियाँ भी रहती हैं। इसमें इस प्रकार से जब आप इसको देखेंगे तो इसमें इस प्रकार से सीड्स भी आते हैं। सीड्स भी में भी जर्मिनेशन होता है। और इसको प्रोपागेट आपको कैसे करना है, सिंपल आपको कटिंग टेक्निक यूज करके, इसको हर्बेसियस कटिंग जो होती है, इसको सिंपल काट करके आप लगा देते हैं तो बहुत जल्दी वो तैयार भी हो जाता है। और ये पौधा हमेशा इसमें कलरफुल जो लीव्स रहती हैं। यदि आप अपने पॉट में यदि आप लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं, तो आपको कैसे लगाना है इसको, कोई भी पौधा यदि आप परचेज करके इसको लाते हैं तो मिट्टी जो आप गमले की तैयार करेंगे वो बहुत अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। उसमें उसमें सैंड भी होना चाहिए, उसमें गार्डन सॉइल भी होनी चाहिए और खाद भी होनी चाहिए। तो बहुत आसान है इसको केयर करना। एक बात ध्यान रखना है कि धूप, ज़्यादा धूप इसके लिए बहुत हानिकारक रहती है। बहुत सॉफ्ट पौधा होता है। तो आप अपने पॉट में, गमले में इसको लगाइए, इंडोर ऑफिस के अंदर अपने टेबल के ऊपर भी इसको आप रख सकते हैं। हमेशा ये खूबसूरत पौधा रहता है, इसको आप इंक्लूड करिए। पीसी नर्सरी में ये पौधा आपको 30 रुपये से लेकर के आपको 150 रुपये तक में ये पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। जो बड़े पॉट में, गमलों में पौधे रहते हैं वो 150 रुपये मिलते हैं, और पॉलीथीन में जो पौधे रहते हैं वो 30 रुपये मिलते हैं। तो आप पीसी नर्सरी से परचेज करिए और आप इसे ले जाइए। इसमें क्या होता है, कभी कभी जो कैटरपिलर होते हैं लग जाते हैं, तो इस प्रकार से पत्तियाँ भी ये खा लेते हैं। इसमें कैटरपिलर लग जाते हैं सुंडी आकृति में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक दवाई मार्केट में मिलती है, साइपरमेथ्रिन मिलती है, तो 2 से 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे चैनल में कमेंट करिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।